यामा वालिया को पुतली घर जो शोरूम है उतो गड्डी लिखी सी चार्ज लगा ली लगा के हजे अंदर ही गया बेटा मनप्रीत लेकिन उस टाइम ही एकदम अग लग गई। सब तो वड्डी हैरानी की गल है कि इन्होंने सवेरे जिस तरह कह रहे हैं कि असी उन्होंने जी यामा कंपनी वाले नाल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है पर उन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं दिता। कंपनी पैसे लैन लगियां और बेचन लग्या इन्नी अगे होंगी है कि मिनट मिनट बाद फोन होंगे जी तुहाडा की प्लैन है तुसी गड्डी कितों लै रहे जी कितों नहीं। इन्ना नुकसान होने के बावजूद कंपनी का एक भी नुमाइंदा हजे तक नहीं है क्योंकि कंपनी ने जिस तरह कह देंगे कि असी इन्ने टैसटा तो बाद सेफ्टी फीचर किए जबकि ये कोई सेफ्टी फीचर नहीं। जो 2 मिनट के गड्डी ने इन्नी ज़्यादा अग फड़ी ये अंदर बैटरी आँदी और गड्डी की हालात देखो ना। मामला अमृतसर के गुरकी बडाली पिंड का जिथों के रहने वाले दलजीत सिंह नाम के व्यक्ति वालों कुछ दिन पहले उन्होंने यामा कंपनी की नवी बैटरी वाली स्कूटी गिफ्ट की गई थी पर उन्होंने की पता सी कि स्कूटी उन्हों का सफर सुखाला की करना सगो उन्होंने घर में भांबड़ मचा देगी। 85,000 की स्कूटी के नाल घर का 2.5 लाख का समान सड़ के सुआह हो गया। जानकारी दिंदे दलजीत सिंह ने दस्सिया कि उन्होंने बेटे ने सवेरे 6 बजे स्कूटी चलाने लई जिवें कढ़ी स्कूटरी की बैटरी लो सी जिसके चलते जो उसने बैटरी चार्ज करने लई बिजली का स्विच ऑन किया तो थोड़ी देर बाद एकदम अचानक स्कूटी नूं अग लग गई। अग इन्नी भयानक सी कि उन्होंने घर के पिछले पासे जाके अपनी जान बचाई जिस नाल साडे घर का सारा समान सड़ के सुआह हो गया। अज सानूं सवेरे ना खबर मिली कि गुरकी वडाली पिंड दे विच सरदार दलजीत सिंह उन्होंने घर के जड़ा उन्होंने गड्डी लिती सी उन्होंने अग लग गई है। इन्होंने जी 2022 दे विच पिछले महीने 14 तारीख 14/4 यामा वालिया को पुतली घर जो शोरूम है उतों गड्डी लिती सी इलैक्ट्रॉनिक गड्डी जिहड़ी कि बिजली नाल चार्ज हो के चलती है। कंपनी वालों उस टाइम इन्होंने कहा गया कि इन्हें 2-3 घंटे चार्ज करो और सवेरे जो कि इन्होंने दस्सिया कि असी 6 बजे के करीब उठे हैं तो चलाने लिए क्योंकि चार्ज हैगी नहीं सी चार्ज लगाने लिए लगा के हजे अंदर ही गया बेटा मनप्रीत लेकिन उस टाइम ही एकदम अग लग गई और डरदे मारे बेचारे सारे पिछे चले गए। फिर खप पई और खप पैन तो बाद पिंड वाले आए है और उन्होंने सारे ने उत्तों दरवाज़ा कट के अंदरों इन्हों बचाया उपरों पानी पुनी पा के और सारा खत्म किया। जिहड़ी कि मेरी बस यही है कि कंपनी यहोजी जड़ियाँ गड्डियाँ कढ़दी है तो इन्होंने नाल कोई सेफ्टी फीचरस यहोजे लगान कि जिदे करके कोई नुकसान ना होए कि जे चार्जिंग ज़्यादा हो जाती है या कुछ हो जाती है तो वो सारी चीज़ को कंट्रोल हो जाए। जबकि कंपनी वालों दावे तो बड़े किए जाते हैं पर वो दावे का जो भी है सच सामने है। यामा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है इंटरनेशनल ब्रांड्स है और सब तो वड्डी हैरानी की गल है कि इन्होंने सवेरे जिस तरह कह रहे हैं कि असी उन्होंने जी यामा कंपनी वाले नाल कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है पर उन्होंने किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं दिता। इन्हें 8 बजे के करीब उन्होंने दस्या भी है कि साड़ी इस तरह घर गड्डी का नुकसान हो गया लेकिन कंपनी पैसे लैन लगियां और बेचन लगियां इन्नी अगे होंगी है कि मिनट मिनट बाद फोन होंगे जी तुहाडा की प्लैन है तुसी गड्डी कितों लै रहे जी कितों नहीं। लेकिन हुण एडा वड्डा नुकसान हो गया तुसी देख ही रहे जे घर के जो नुकसान होया और गड्डी का इन्हें बेचारियां दा और सब तो वड्डी गल है कि लागे सिलेंडर पिया सी उहदा बचाव हो गया नहीं तो इन्हां दे जान माल का भी नुकसान होना सी। इन्ना नुकसान होने के बावजूद कंपनी का एक भी नुमाइंदा हजे तक नहीं आया। कितना का नुकसान है सर गड्डी का तो 85,000 की इन्होंने गड्डी लिती है जी उधर वॉशिंग मशीन है वो सारी खराब हो गई है जी फ्रिज खराब हो गया वो भी गल गया और उपर जो तुसी एंड तक जाके देखो सारे छत्तां खराब हो गई हैं ईवन POP जड़ी है वो डिग रही है सारा कुछ और सानू की है कि गेट कटना पिया इन्होंने बाहर कढ़न की खातर गेट कटना पिया उपर भी मोंटी का गेट भी खराब है मतलब घट्टो घट मेरे हिसाब न 2-2.5 लाख रुपए का इन्हों का नुकसान हो गया। कसूरवार कौन यह कसूरवार सिंपल साफ पता लग रहा जी कंपनी है क्योंकि कंपनी ने जिस तरह कह देंगे कि असी इन्ने टैसटा तो बाद सेफ्टी फीचर किए जबकि ये कोई सेफ्टी फीचर नहीं। जो 2 मिनट के गड्डी ने इन्नी ज़्यादा अग फड़ी ये अंदर बैटरी आँदी और गड्डी की हालात देखो ना कि इन्ने बुरी तरह वो फटी है कि मैं कहना कि बहुत परमात्मा का शुक्र है कि इन्हों दी जानां बच गईं।